इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन का नवा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच खेला गया। इसमें कोलकाता की टीम ने धाकड़ प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। कोलकाता की तरफ से जहां शार्दुल ठाकुर ने 68 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं दूसरी पारी में टीम के 3 स्पिनर्स ने 9 विकेट झटके और इतिहास रच दिया। वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट झटके जिसमें फाफ डुप्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल के विकेट शामिल थे, जबकि नरेन ने विराट कोहली और शहबाज अहमद को आउट किया। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए मिस्ट्री स्पिनर सुयश शर्मा को गेंदबाजी करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति मिली और युवा खिलाड़ी ने अपने 4 ओवरों में 3/30 के आंकड़े दर्ज की। इस तरह केकेआर के 3 स्पिनरों ने आईपीएल के इतिहास में एक पारी में स्पिनरों द्वारा चुने गए सर्वाधिक विकेटों का रिकॉर्ड बनाने के लिए आपस में 9 विकेट साझा किए। सीएसके के पास पहले यह रिकॉर्ड था जिसमें उनके स्पिनरों ने एक ही पारी में 3 से ज्यादा बार 8 विकेट लिए थे। आईपीएल के एक पारी में स्पिनर द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड कब और किस मैच में लिया ये जान लीजिए। 9 विकेट केकेआर बनाम आरसीबी कोलकाता 2023, 8 विकेट सीएसके बनाम डीसी विशाखापट्टनम 2012, 8 विकेट सीएसके बनाम आरसीबी चेन्नई 2019, 8 विकेट सीएसके बनाम डीसी चेन्नई 2019। अब आईपीएल के एक मैच को दोनों पारियों में स्पिनर द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड कब और किस मैच में ये भी जान लीजिए। 12 विकेट केकेआर बनाम आरसीबी कोलकाता आज, 11 विकेट केकेआर बनाम केएक्सआईपी कोलकाता 2012, 11 विकेट केकेआर बनाम डीसी कोलकाता 2018, 11 विकेट सीएसके बनाम डीसी चेन्नई 2019।